बीएसएनएल में यूनियन की मान्यता को लेकर होने वाले 8वें चुनाव आज संपन्न हुए। देश भर में 1,00,000 से अधिक और प्रदेश में 4,100 से अधिक कर्मचारियों ने वोट डाले। बीएसएनएल प्रबंधन के द्वारा अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान प्रातः 9 बजे प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक हुआ। देश भर में कुल 18 यूनियन मैदान में हैं। उज्जैन में प्रमुख रूप से 3 यूनियन बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज, भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के मध्य कड़ा मुकाबला देखा गया है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। तकरीबन 18 यूनियनें कार्य कर रही है, लेकिन बीएसएनएल जैसा कि 18 यूनियनों से बातचीत नहीं कर सकता, उनको नीति निर्धारण के अंदर शामिल नहीं कर सकता, इसलिए जो है मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए चुनाव हो रहे हैं। 18 के अंदर से सबसे पहली जो यूनियन मान्यता में रहेगी, जिसको सबसे ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी पसंद करेंगे, वही मान्यता प्राप्त यूनियन रहेगी। मान्यता प्राप्त यूनियन का 8वां चुनाव है और इसके अंदर से जीतने वाली मान्यता प्राप्त यूनियन के ही पदाधिकारियों को समस्त सुविधाएं मिलना और सारी तमाम तरीके की सुविधाएं सही ट्रांसफर नीति में सब पे उनकी हस्तक्षेप है। कितने कैंडिडेट चुनाव में हैं? तकरीबन पूरे देश भर में 1,00,000 से अधिक कर्मचारी आज वोट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 4,000 कर्मचारी हैं और उज्जैन के अंदर 218 कर्मचारी आज मतदान के जरिए मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव कर रहे हैं। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव का 8वां वेरिफिकेशन है, सदस्यता सत्यापन है जी, तो इसको हम लोग पूरी तरह जो हमको ऊपर से हमारे सर्कल से कॉर्पोरेट से जो गाइडलाइन मिले हैं उन्हीं के अनुसार हम लोग करा रहे हैं पूरी निष्पक्षता के साथ। और इसमें जो भी सभी हमारे यहाँ एक ऑब्जर्वर भी नियुक्त होते हैं जी, और वो उनका काम ही रहता है कि वो सभी दूर ये देखते हैं कि कोई इसमें कहीं कोई गलती या किसी तरीके की कोई, ये तो फेवरिज्म का तो नहीं है कि किसी एक को, यदि उनको कुछ लगता है तो वो उसके बारे में हमको जानकारी देते हैं कि जैसे भाई यहाँ पे बूथ बना हुआ है उज्जैन में जी, तो भाई 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार सब खत्म हो जाना चाहिए, बैनर पोस्टर सब निकल जाना चाहिए, तो वो सारी तैयारियाँ कर ली गई। लगभग कितनी यूनियन चुनाव लड़ रही है यहाँ उज्जैन में? मुख्यतः 3 यूनियन चुनाव लड़ रही है, एक BSNLU है, एक NFT है और एक BTU। जी जी, और लगभग कितने मतदाता होंगे यहाँ पे उज्जैन जिले में? उज्जैन जिले में 218, पूरे उज्जैन जिले में 218 है जी। और चुनाव कब कितनी बजे संपन्न हुआ था और कितनी बजे ख़त्म होगा? चुनाव सुबह ठीक 9 बजे चालू हो गया जी और 5 बजे खत्म हो गया। जी जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? दीप्तिमती शुक्ला, ऐसे ARO हूँ और मैं AGM एडमिन हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।